नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल आदे क्लासेस। दोस्तों आज हम क्लास थर्ड की हिंदी वर्कशीट आपके साथ शेयर करने वाले हैं, यानी कि हिंदी में संज्ञा से रिलेटेड। आज हम वर्कशीट फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो ये आप सबको पता होगा कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चलिए आंसर लिख। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। नेक्स्ट है श्रीकृष्ण शब्द में कौन सी संज्ञा है। तो संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जैसा कि आपको पता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो इसमें श्री कृष्ण शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। तो श्री कृष्ण शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है दोस्तों, क्योंकि व्यक्ति किसी व्यक्ति की विशेष की बात हो रही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है नदी, तो नदी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी। नदी शब्द में भाववाचक संज्ञा होगी। तो नदी शब्द में हमारी भाववाचक संज्ञा होगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास थर्ड के बच्चों से पूछे जाते हैं, जो हिंदी व्याकरण में याद कराए जाते हैं। तो बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हमने संज्ञा पर बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, बहुत सी वीडियोस हम संज्ञा पर दे चुके हैं। तो संज्ञा से रिलेटेड हम बहुत सी वीडियोस बना चुके हैं, संज्ञा की परिभाषा, उसके भेद और उसके प्रकार सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। तो अब हम वर्कशीट लगा रहे हैं, और अगर आपको वो प्रीवियस वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल पर विजिट करें, और आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस संज्ञा पर और सर्वनाम पर, विशेषण पर आपको मिल जाएंगी बहुत ही आसानी से, सिर्फ सर्च करने पर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और हम अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकें। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, संज्ञा शब्दों द्वारा खाली जगह भरो। यहाँ पर कुछ संज्ञा शब्द दे रखे हैं, इन संज्ञा शब्दों के थ्रू आपको यहाँ खाली जगह यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो ये क्वेश्चंस भी बच्चों के टेस्ट पेपर में आते हैं, जो कि बहुत ही कॉमन होते हैं, इनको याद करने की या पढ़ाने की जरूरत नहीं होती है। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, बच्चों को कॉमन सेंस से ही इनको सॉल्व करना होता है। चलिए देखते हैं, देश की रक्षा करता है, कौन करता है। ये माली तो करेगा नहीं, कौन करेगा, सैनिक। तो यहाँ सैनिक लिख देंगे। तो देश की रक्षा कौन करता है, सैनिक। और हाथी एक विशाल जानवर है, लाल किला दिल्ली में स्थित है, और समय का पता घड़ी से चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे होते हैं, ऑप्शंस में जो सही होता है उस सही ऑप्शन को बच्चे को यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में खाली जगह में भरना होता है। तो दोस्तों ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही समझाने वाले क्वेश्चन हैं, जो आप इन्हें करने को दे सकते हैं बच्चे को, और जिससे कि उसे उसका कॉमन सेंस और बढ़ेगा और उसको समझ में आएगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें आनी चाहिए। ये तो बच्चे को पता है लाल किला कहाँ है, दिल्ली में, लेकिन इस तरह से जब फिल इन द ब्लैंक्स में दे देंगे आप, तो उसे और अच्छे से क्लियर भी हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो भी आप उसे इस तरह से समझा करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए शब्दों को सही क्रम में लिखकर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर क्रम इनका गलत है, यानी कि शब्द तो लिखा है लेकिन शब्दों का क्रम अलग लिखा है, गलत लिखा हुआ है। तो आपको यहाँ पर शब्दों को सही क्रम में करके सही वाक्य बना करके लिखना है। जैसे थाली पर रखी मेज है, तो थाली पर मेज तो नहीं होगी, तो शब्द क्या बनेगा, मेज पर थाली रखी है। तो इस तरह से थाली पर रखी मेज है, यानी कि मेज पर थाली रखी है। मिठास है आम में, आम में मिठास है। रहा मोर, मोर है नाच, इसका सही बनेगा, मोर नाच रहा है। तो इस तरह से सही करके अक्षरों को, उनको सही वाक्य बनाना है। तो अक्षर इधर से उधर, यानी शब्द जो हैं ये इधर उधर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ मेज होना चाहिए, थाली की जगह मेज है, मेज की जगह थाली है, आम की जगह मिठास है, मिठास की जगह आम है। तो इस तरह से सही क्रमों में लिख करके शब्दों को हम सही वाक्य बना सकते हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जो आप थर्ड और फोर्थ के बच्चों को सिखाना चाहिए, और सिखाया भी जाता है और एग्ज़ाम में आता भी है, जो कि शायद स्कूल में पढ़ाया भी नहीं जाता है, ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिविटीज़ के थ्रू ही बच्चे सीखते हैं। तो इसी में और एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बालक पुनीत अच्छा है, और फिल्म राज रहा है देख। तो इनको सही क्रम में लिखना है।
तो इस तरह से जैसे पुनीत अच्छा बालक है और राज फिल्म देख रहा है, तो यहाँ अलग अलग क्रम में शब्द अलग अलग जगह पर लिखे थे जिनको हमने सही जगह पर लिख करके एक सही और सार्थक शब्द बना दिया जिसका कोई अर्थ निकलता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है 4 में, ये आप बोल सकते हैं इमली, क्योंकि क्लास फर्स्ट से ही बच्चों को रीडिंग लगाना सिखाया जाता है और रीडिंग के बाद आप उन्हें इस तरह से इमला बोल सकते हैं, इमला बोल करके आप उन्हें हिंदी लिखना और पढ़ना सिखा सकते हैं। क्योंकि आप रीडिंग लगवाइए, कोई भी एक लेसन उठा लीजिए, एक पेज उठा लीजिए तो बच्चे को दे सकते हैं, उन्हें पढ़वाइए और उसके बाद उसी लेसन से या उसी पेज से बच्चे को इमला बोलने को दे सकते हैं। तो इस तरह से आज की ये हमारी वर्कशीट रही है क्लास 3rd की हिंदी व्याकरण संज्ञा। तो अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करिएगा जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले और हमें पता चले कि आपको कितनी वीडियो पसंद आई, जिससे कि हम और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक लाते रहते हैं। हम संज्ञा के बाद सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण और बहुत से टॉपिक हैं जो आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।